हाँ तो गाइस यार, यहाँ पर हमारे दो बंदे मर चुके हैं और मैं यहाँ पर वेंडिंग मशीन के पास गया। मेरे पास टोकन तो थे नहीं, तो मैंने इस सोलो डेयर कार्ड को यूज किया, पर ये यूज नहीं हो रहा है। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल इजीली बताने वाला हूँ कि आप सोलो डेयर कार्ड को कैसे यूज कर सकते हो, एंड भाई बिल्कुल इजीली टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगा इसकी कि भाई आपका अगर पूरा स्क्वाड मर जाता है, आप अकेले बचे हो, तो आप बिल्कुल इजीली रिवाइव कर पाओगे और आपको कोई भी नहीं मार पाएगा। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी नहीं यार। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कार्ड को यूज कैसे करना है, एंड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज कैसे करना है कि आपको कोई भी मार नहीं पाए। तो चलो यार, अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर उसी के साथ साथ मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गाइस यार, अगर आप इस वीडियो पर न्यू आ रहे हो एंड पहली बार आ रहे हो, तो आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो मेरे भाई उसको दबा देना। उसके बाद घंटी का निशान आएगा, उसको ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर देना मेरे भाई। हाँ तो फाइनली गाइस यार, अभी अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप यहाँ पर देखो कि हमारे दो बंदे मर चुके हैं, एंड दोनों बंदों को मैं अगर इस सोलो डेयर कार्ड से रिवाइव करता हूं तो ये रिवाइव नहीं होते हैं। और अगर आप भी भाई अपने एक बंदे को सोलो डेयर कार्ड से रिवाइव करते हो या दो बंदे को सोलो डेयर कार्ड से रिवाइव करते हो, तो वो रिवाइव नहीं होते होंगे। हाँ। और भैया आप इस सोलो डेयर कार्ड को यूज करना चाहते हो पर यूज नहीं कर पा रहे हो। अरे हाँ भाई हाँ। हाँ तो भाई यार, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि सोलो डेयर कार्ड को मैं आपको यूज करना तो बताऊंगा, पर इसके कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक भी देने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप भाई मरोगे नहीं, सिर्फ रिवाइव ही रिवाइव करोगे। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। हाँ तो फाइनली गाइस यार, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कि मेरा पूरा फुल स्क्वाड मर चुका है, एंड स्क्वाड में मैं अकेला बचा हूँ। और भाई मैं यहाँ पर जाऊंगा वेंडिंग मशीन के पास और यहाँ पर मैं यूज करूंगा सोलो डेयर कार्ड, ठीक है। तो भाई मेरा यहाँ पर बिल्कुल इजीली यूज हो चुका है, एंड मैंने इसको यूज किया। जैसे ही मैप में जितने भी बंदे बचे हैं ना, जैसे कि अभी यहाँ पर 38 बंदे बचे हैं, तो इन सबको मेरी लोकेशन मिल चुकी है, एंड अभी आप ये मैप में देख पा रहे होगे लोकेशन मेरी कि भाई सबको दिख रही है ये, यानी कि भाई सारे मैप के बंदों को पता चल कि मैंने सोलो डेयर कार्ड को यूज किया है। और भाई सारे बंदे मेरे को देखकर मार भी सकते हैं, तो भाई मैं अभी जोन के अंदर जाऊंगा, क्योंकि जोन के अंदर रहूंगा तो भाई थोड़ा फायदे में रहूंगा, बंदे नहीं आएंगे। पर भाई अगर कोई बंदा आपको मारने की ठान लेता है और भाई वो गाड़ी लेके भी आ सकता है, ठीक है। तो भाई यहां पर मैं आपको यही टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूं कि भाई आप अगर सोलो डेयर कार्ड यूज कर रहे हो, आपके पास टोकन नहीं है, तो आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो भाई वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखना, पर उससे पहले आप यहां पर देखो कि भाई मैं इसमें ये रिवाइव कर रहा हूं ना, इसकी स्पीड तेज करने दो पहले तो। हाँ तो फाइनली गाइस यार, मैंने कुछ वीडियो कट भी कर दी और यहाँ पर वीडियो को फास्ट भी कर दिया, और आप यहाँ पर देखो कि अपना रिवाइवल भरने ही वाला है, एंड यहाँ पर फाइनली रिवाइवल भरने पर आया, जैसे ही मेरे को ऊपर एक बंदा देखने के लिए मिला, क्योंकि भाई उसको लोकेशन मिली रही थी, तो भाई ये बंदा आ गया, तो भाई मैंने इससे फाइट लेना स्टार्ट कर दिया, पर इसके पास एक और एनिमी आ गया। और यहाँ पर हमारा रिवाइव सक्सेसफुली हो ही चुका है, आप यहाँ पर देखो हमारे सारे बंदे रिवाइव हो ही चुके हैं, अब अपन इस बंदे को बिल्कुल इजीली मार सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ग्रेनेड को कुक किया और कुक के बाद इसके ऊपर फेंक दिया, ठीक है। तो भाई मेरे ग्रेनेड से ये डाउन हो चुका है, एंड अपने को एक किल भी मिल चुका है। और भाई यहाँ पर एक और सीन हुआ कि भाई एक और बंदे ने सोलो डेयर कार्ड को यूज किया, एंड भाई अभी आप यहाँ पर देखो कि भाई उसकी लोकेशन हमको बिल्कुल इजीली पता चल गई। और भाई हम जैसे ही उसके पास गए ना, तभी उसके पास एनिमी आ चुका था, एंड उसको मार दिया। तो आप यहाँ पर देखो उसका रिवाइवल भाई ब्लैक एंड व्हाइट पड़ गया, एंड यहाँ पर मेरे को एक एनिमी दिखा, तो भाई मैंने उसको फायरिंग दी, एंड भाई उसको अच्छा खासा डैमेज भी दिया। तो यहाँ पर अगर आप सोलो डेयर कार्ड यूज करते हो ना, तो सारे मैप में आपका भाई लोकेशन मिलेगा, आप जहां पर भी जाओगे ना, तो सोलो डेयर कार्ड का एक साइन आएगा आपके मुंड के ऊपर, एंड लोकेशन बंदों को मिलती रहेगी, जैसे हमको मौकों से लोकेशन मिलती है। हाँ तो भाई सोलो डेयर कार्ड को यूज करने में बहुत झंझट है, पर अभी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक दूं, तो सबसे पहले तो आपको मीसा कैरेक्टर यूज करना है, यानी कि हमारी मीसा रानी, ठीक है। और इसके बाद आपको ढूंढना है एक बाइक। अब आप यहाँ पर देखो मेरे तीनों बंदे मर चुके हैं और मैंने बाइक ढूंढ लिया है, और मीसा है ना, मीसा का काम है अगर हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं ना, तो बंदे का डायरेक्ट गोली अटैच नहीं होगा, बिना मीसा के तो भाई डायरेक्ट अटैच होता है। अगर मीसा लगा के रखी है तो उसको अटैच करना पड़ेगा, यानी कि गोली नहीं पड़ती है गाड़ी में इतनी आसानी से। तो भाई सीधा सिंपल सा बात यही है कि मीसा कैरेक्टर लगाना है, गाड़ी उठाना है, एंड अपना जो सोलो डेयर कार्ड है ना, उसको यूज कर लेना है, जैसे कि अभी मैं आपको करके बताता हूँ। हाँ तो फाइनली गाड़ी
गाइस यार अभी आप यहाँ पर देखो, मैं वेंडिंग मशीन के पास गया, यहाँ पर मेरे पास 700 टोकन थे, पर भाई मैंने सोलो डेयर कार्ड को यूज किया। अब आप बोलोगे कि राहुल भाई आपने सोलो डेयर कार्ड को यूज कर लिया, अब एक बंदे को रिवाइव कर देते, तो अभी मैं आपको बताऊंगा एक बंदे को क्यों रिवाइव नहीं किया, ठीक है, वो भी बताऊंगा, क्योंकि भाई आज इसी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो फुल ट्यूटोरियल के साथ ही बनाएंगे ना मेरे भाई। अब आप यहाँ पर देखो, मेरे पास मेड किट भी है एंड भाई मेरे पास गाड़ी भी है। अब मैं चाहूँ तो जोन के अंदर भी रह सकता हूँ, पर मैं जोन के बाहर जाऊंगा क्योंकि मेरे पास मिसा है, और भाई मिसा है तो मेरे को कोई मार ही नहीं पाएगा क्योंकि सामने वाले एनिमी की इतनी आराम से गोली अटैच नहीं होंगी, और मेरी जो बाइक है ना वो मैं अधिकतर बिल्कुल सही रास्ते पे चलाऊंगा कि जो स्पीड है ना उसकी स्पीड में ही चलती रहे। और अगर आप यहीं पर लंबोर्गिनी यूज करते हो तो लंबोर्गिनी भी बिल्कुल सही है क्योंकि उसकी स्पीड और तेज रहती है, एंड अगर आप उसको रोड ही रोड पे चलाओगे ना तो भाई कोई भी एनिमी आपको नहीं मार पाएगा, मिसा यूज करना पड़ेगा। पर बात तो सही है। और भाई अभी आप यहाँ पर देखो कि बंदे मेरी गाड़ी को फोड़ रहे हैं एंड मेरे को डैमेज दे रहे हैं, पर भाई डैमेज नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मैंने मीसा लगा के रखी है। अगर मीसा नहीं लगाई होती ना तो अभी मैं मर जाता। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखो कि हमारा जो रिवाइवल है ना वो पूरा भरने ही वाला है, एंड फाइनली आप यहाँ पर देखो कि हमारे तीनों बंदे रिवाइव भी हो चुके हैं, मैंने बिल्कुल इजिली उनको रिवाइव कर दिया मीसा की मदद से एंड गाड़ी की मदद से। और इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पर देखो कि भाई फिर से हमारे तीन बंदे मर चुके हैं, एंड अभी मैं यहाँ पर सोलो डेयर कार्ड को यूज करूंगा। सबसे पहले मेरे पास 800 टोकन भी है, तो भाई सोलो डेयर कार्ड यूज किया तो अभी आप यहाँ पर देखो हो चुका है, यूज हो रहा है, पर भाई यहाँ पर मैंने सोचा कि अभी इनको रिवाइव करना चाहिए, तो मैंने इनको रिवाइव किया तो जो हमारा सोलो डेयर कार्ड था ना वो हट गया, यानी कि भाई फिर वो रिवाइव नहीं हो रहा है, हमारा जो एक बंदा था ना वो रह गया। यानी कि अगर आप भाई अगर 400 टोकन है, आपने सोलो डेयर कार्ड को यूज किया है, 400 टोकन से एक बंदे को रिवाइव कर देते हो तो आपका जो सोलो डेयर कार्ड यूज हो रहा है ना वो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। हाँ तो फाइनली गाइस यार उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो मेरे भाई बाय बाय, टाटा, तो लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली को, जय हिंद जय भारत, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो मेरे भाई बाय बाय।